वैशाख मास में जल का दान सबसे पुण्यदायी है, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन इस मास में और कौन सी चीजों का दान न सिर्फ रोगों से मुक्ति दिलाएगा आपको, बल्कि धन, सुख, संपत्ति और मोक्ष भी प्राप्त कराएगा। आइए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि जल का दान सर्वोत्तम है, लेकिन इसके अलावा और कौन से दान हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो व्यक्ति वैशाख मास में चटाई दान करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो लोग चादर दान करते हैं वो जीवन में चैन की नींद सोते हैं। जो वैशाख मास में सूती कपड़े दान करते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति बगीचे बनवाता है, पानी के लिए कुआं तालाब की व्यवस्था कराता है, उसको संतान से हर सुख प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में चप्पल या खड़ाऊ दान करता है उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी का दान करने वाला व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। धूप से कष्ट पाए हुए व्यक्ति को सूती कपड़े से पंखा करता है, उसकी आयु लंबी होती है। वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 1.25 किलो या 1.25 किलो चावल का दान करने से लंबी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो गाय का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में जो लोगों को आम खिलाता है उसको पापों से कम कष्ट मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वैशाख मास में सत्तू दान करने वाला व्यक्ति सदियों तक विष्णु मंदिर में जगह प्राप्त करता है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।